शाहरुख खान ने ट्विटर पर उनकी नई फिल्म जिसमें अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे का अनाउंसमेंट किया है। शाहरुख के फैंस को नए साल का जबरदस्त तोहफा मिला है और उसका नाम है जीरो। जी हाँ, फिल्म का नाम जीरो है और शाहरुख इसमें एक बोनी आदमी की भूमिका कर रहे हैं। ऐसी भूमिका पहले कमल हसन ने 1989 में रिलीज हुई तमिल फिल्म अपूर्वा सगोदारार्गल थी, जिसमें कमल ने एक सर्कस के जोकर का रोल किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक बोने का किरदार काफी अच्छे से निभाया था। शाहरुख खान हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके फैंस को हमेशा कुछ नया मनोरंजन मिल सके। ये फिल्म में अनुष्का के साथ कटरीना का भी रोल है। ये तीनों पहले में यशराज की फिल्म जब तक है जान में साथ नजर आए थे और अब ये तीनों जीरो फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। बता दें, ये फिल्म आनंद एल राय की है और इस फिल्म का शूटिंग फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा। दिलचस्प बात ये है कि शादी के बाद अनुष्का की यह पहली फिल्म होगी। विराट के संग दिसंबर में इटली में शादी कर अनुष्का ने दिल्ली और मुंबई में रिसेप्शन का आयोजन किया था। विराट अपने साउथ अफ्रीका के दौर पर है और अनुष्का मुंबई में फिल्म की शूटिंग करेंगी। कटरीना कैफ भी उनकी हाल ही में रिलीज फिल्म टाइगर जिंदा है की सक्सेस से काफी खुश है और सल्लू भाई के साथ अपने रिलेशन को और मजबूत कर रही है। शाहरुख ने भी ट्वीट किया है, टिकटे लिए बैठे हैं लोग मेरी जिंदगी की, तमाशा भी पूरा होना चाहिए। ये तो वक्त ही बताएगा शाहरुख जी।